आज मैं लेके आया अपनी टाटा सफारी को। इसका हम करने वाले हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू। इसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहा, इसकी ड्राइव क्वालिटी कैसी है, इसका कंफर्ट कैसा है, सस्पेंशन, स्टेयरिंग, आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, इसका मेंटेनेंस कैसी पड़ती है अपने को, सारी डिटेल्स में आज बात करेंगे। तो बने रही वीडियो में। मैं अभी इसका ओनरशिप रिव्यू दूंगा और बेसिक कुछ चीज़ें अगर मैं सफारी के बारे में आपको बताना चाहूँ तो वो ये रहेंगी कि यही वो गाड़ी है जिसने SUV सेगमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। सफारी अपनी 1998 में लॉन्च हुई थी ये फर्स्ट टाइम। उस टाइम पे भी इसका कोई प्रीमियम SUV का जो टैग है वो सफारी को ही मिला था। उस टाइम पे कोई प्रीमियम SUV सेगमेंट में नहीं थी। स्कॉर्पियो भी काफ़ी टाइम के बाद आई, उसके बाद उसने कम्पीट किया। यस, दिस इज़ ट्रू कि स्कॉर्पियो ने बीच में लीड जरूर ले ली थी, बट उस समय पे भी और आज के टाइम पे भी सफारी का जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट अभी तक किसी को नहीं मिला है। मैं आपको एक प्रॉपर वॉक अराउंड दे देता हूँ कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है और बाकी तो आप वीडियो से खुद ही जज कर सकते हैं। तो ये रही अपनी गाड़ी, चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। ये अपना बम्पर दिया हुआ है, ऐसा कुछ बम्पर है। यहाँ पे क्रोम की थिक स्ट्रिप मिलती है आपको, जो मतलब दूर से अगर आप गाड़ी को देखेंगे काफ़ी प्रीमियम लुक इसको ये प्रोवाइड करती है। ये जो अपने को स्ट्रिप दी हुई है क्रोम की, ये नंबर प्लेट की जगह है। ये बुल बार्स हैं, वैसे अभी तो ये बैन हो गए हैं बट चलता जो SUVs में लगे हुए हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने को क्रोम थिक क्रोम की स्ट्रिप मिल रही है यहाँ पे भी, ये भी काफ़ी प्रीमियम बना दे रही है गाड़ी को। ऐसी कुछ आपको हेडलाइट्स मिलती है, ये फॉग लाइट्स की प्लेसिंग यहाँ की गई है। बम्पर भी अगर हम इसका देखेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बम्पर है। सो हियर कमिंग टू द टायर्स, ऐसे कुछ अपने को टायर्स मिलते हैं। 16 इंच के टायर्स हैं ये। टायर्स की साइज़ अपने को मिलती है 235/70R16, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड 70 ये जो इसकी प्रोफाइल है टायर की, ये काफ़ी बड़ी है SUV की तरफ से, मतलब क्योंकि ये जैसे आप सब लोग जानते ही होंगे राइड क्वालिटी में जो टायर की प्रोफाइल है वो काफ़ी अहम रोल अदा करती है। जैसे इसकी प्रोफाइल बड़ी है तो राइड क्वालिटी में बहुत अच्छा फील आपको अंदर इंटीरियर में मिलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं सस्पेंशन वगैरह की प्लेसिंग है। ये फुटरेस्ट हमने दिया हुआ है क्योंकि क्या है, जब कभी कभी चढ़ने में दिक्कत हो सकती है तो फुटरेस्ट का यूज़ करके आप आराम से एंट्रेंस ले सकते हैं गाड़ी के अंदर। सो हम यहाँ पे आ गए थे और ये रहा अपना फेंडर पे ही अपने को टर्न इंडिकेटर का बल्ब दिया हुआ है, आजकल गाड़ियों में यहाँ पे आ गया है, वो भी काफ़ी अच्छा है बट उस टाइम के हिसाब से इट्स क्वाइट गुड, नो इशू इन दैट। तो ये ऐसा कुछ अपने को हैंडल बार मिलता है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, कोई भी इशू इसमें नहीं आया है आज तक। ये ग्लास एरिया है, हमने ये लगाया हुआ है रेन वाइज़र। इसकी अगर मैं बात करूँ तो चलो इसकी बात हम ड्राइव के समय करेंगे। बाकी व्यू इससे काफ़ी अच्छा मिलता है, मॉडरेट साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है। पीछे जो भी चीज़ें हो रही है उसका काफ़ी एडिक्वेट व्यू आपको इस मिरर में मिल जाता है। तो ये अपने को कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन दी हुई है, ये हाँ ये फाइबर का है, ये मेटलिक है, मतलब मेन डोर मेटल का ही है, ये फाइबर के दिए हुए हैं साइड प्रोटेक्शन के लिए, मतलब छोटी मोटी अगर टक्कर होती है तो उससे आपको डायरेक्ट डोर पे इम्पैक्ट नहीं होगा। ये रियर व्हील्स हैं, ये पीछे का बम्पर है, ये फॉग लाइट्स हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि गाड़ी की सारी फॉग लाइट्स हो, मेन लाइट हो, इंटीरियर की लाइट्स हो, काम करती हैं, उसमें कोई इशू नहीं आया। ये अपना टॉप लैम्प है, ऐसा कुछ है आप देख सकते हैं। एक इशू जो है इस गाड़ी में वो ये है कि इसका ये जो व्हील अपने पीछे माउंट किया हुआ है, नो डाउट ये देखने में गाड़ी की लुक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, सफारी की लुक इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। बट इसका एक डीमेरिट भी है, डाउनसाइड भी है इसका एक, क्योंकि इसका व्हील का वेट बहुत ज़्यादा है और इसका प्रॉपर जो प्योर वेट है अपना पूरा गेट पर ही डाला हुआ है। तो गेट क्या है, कई कुछ टाइम के बाद ना, जो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो अलाइनमेंट है गेट की, ये दिस शुड बी हियर, मतलब इसके बराबर इसको होना चाहिए था, बट ये गेट जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। बट उसमें भी कोई इशू नहीं है, डोर बंद हो जाता है, बट कभी कभी ऑफ रोडिंग में थोड़ा बहुत आवाज़ करता है ये गेट जो है पीछे का, बट कोई उसमें ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये फुटरेस्ट आपको मिलता ही है ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पर भी लाइट्स दी हुई हैं, ये लाइट्स दी हुई हैं आपको नंबर प्लेट के लिए, ये देख जैसे आप देख सकते हैं। और नीचे की हम बात करें तो ये रहा इसका पूरा ओवरव्यू। अब रियर प्रोफाइल भी आई थिंक हो ही गई है,
टायर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 16 इंचेस के टायर हैं, काफ़ी अच्छे राइड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अपने को 2.2 VTT डाइकोर की बैजिंग है, जैसे कि ये टाटा सफारी की डाइकोर मॉडल है। देख पा रहे हैं मैं अभी गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और ऐसा कुछ डोर है अपना। डोर की ओपनिंग पहले आपको दिखा देता हूँ पूरे डिटेल्स में। दिस इज़ द डोर। ये अपने को ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ मिलती है। ये अपना AC का फ्लो है। ये काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे सफारी में, क्योंकि ये किसी भी और सेगमेंट की गाड़ियों में भी मैंने शायद अभी तक नहीं देखा है। तो AC का जो फ्लो है वो वहाँ से आकर के इस वेंट्स के थ्रू यहाँ से अपने को AC का फ्लो मिलता है, जो कि डोर में है। ये अपना नॉर्मल कार्स की तरह डैशबोर्ड पे नहीं दिया हुआ है। और जब आगे बढ़ते हैं तो ये अपना सारे कंट्रोल्स हैं, ये मिरर डाउन करने के लिए। ये वन टच डाउन है, यहाँ से ये ऐसे करेंगे तो ये वन टच डाउन हो जाता है। और फ्रंट दोनों वन टच डाउन है, और पीछे के पीछे के भी वन टच डाउन है। पीछे के बस अपने को ऊपर करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, बाकी वन टच डाउन में पूरे नीचे हो जाते हैं शीशे। और ये कंट्रोल आपको दिए हुए हैं मिरर्स को एडजस्ट करने के लिए, राइट लेफ्ट। ये जैसे मैंने राइट किया और मैं इसको नीचे करूँगा, जैसे आप देख रहे हो नीचे हो रहा है ना। अब मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको। द अनदर थिंग इज दिस, की ये जो लाइट भी दी हुई है डोर पे ही, तो जब अगर आप रात में कभी गाड़ी को रोकते हैं तो जब आपका डोर ओपन होगा तो पीछे से जो गाड़ी आ रही होगी उसको पता चल जाएगा कि डोर ओपन है, तो कोलाइड होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है कोलाइड होने की। तो ये था कुछ अपना डोर का ओवरव्यू। और डोर, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि डोर काफ़ी वाइड ओपन होता है गाड़ी का, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का डोर ओपन होता है। चलिए अंदर की बात करते हैं। ये ऐसा कुछ अपना सीट है, ये फ्रंट टू सीट्स की हुई है, और इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट है। ये इस लीवर से अपन बैक एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, और इस लीवर से सीट हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देख, जैसे ये सीट अभी नीचे जा रही है, और इसी को ऊपर करने से सीट ऐसे ऐसे ऊपर भी आ जाती है। तो चलिए गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं। जैसे मैं अभी कार के अंदर आ चुका हूँ, तो अभी आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें बताऊंगा। RPM मीटर है, ये फ्यूल गेज है, ये अपना टेम्परेचर मीटर है कि गाड़ी का टेम्परेचर कितना हुआ इंजन का, ये स्पीडोमीटर है। और इसमें आपको सारी लाइट्स भी दिखती है, कोई भी वार्निंग लाइट्स जो रहेगी अपनी बैटरी की, पार्किंग की, ऑयल लेवल का, ये जैसे कोई डोर ओपन है तो उसका भी बताएगा, सारी चीज़ें दी हुई है। तो अब आ जाते हैं स्टेयरिंग व्हील पर। ऐसा कुछ आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। हॉर्न, अगर कि मैं हॉर्न बजा के सुना दूँ तो, अभी कम बज रहा है क्योंकि क्या है, ग्लास मेरे बंद हैं तो अंदर इतना आवाज़ नहीं आ रहा है। और उसके बाद ये है, हमने कुछ लगाए हैं, ये तो मैंने अपने खुद से लगाया था, ये सनमाइका है, मेरी पुरानी गाड़ी में था, मैंने इसको निकाल के इसमें लगाया है। ऐसा कुछ इसका AC का वेंट आपको मिल जाता है। इसके फ्लो, एयर फ्लो जो मैं बोलूँगा तो 1 पे काफ़ी कम रहता है, बट 2 और 3 पे सफिशिएंट फ्लो है। सफिशिएंट मतलब मोर देन एनफ है। आपको कभी भी लॉन्ग ट्रिप्स में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इसमें कोई सफोकेशन वाली चीज़ें नहीं होंगी। AC की कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है। ये अपने को फॉग लाइट्स की स्विच मिल जाते हैं आगे पीछे के। ये रियर डिफॉगर है, ये हज़ार्ड लाइट है, इसको ऑन कर देंगे तो हज़ार्ड लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये पीछे वाइपर में पानी डालने के लिए ये है, ये रियर वाइपर का है, और ये फ्यूल लिड ओपनर है। ये अपने को AC के स्विच मिल जाते हैं 1, 2, 3, 4। फॉर्चुनेटली ये मेरा बटन थोड़ा सा टूट गया है। पायनियर का स्टीरियो दिया हुआ है इसमें, जिसकी साउंड क्वालिटी मैं बोलूँगा बहुत ही बेहतरीन है। जैसे गाड़ी को 10 से 11 साल हो चुके हैं, बट अभी भी साउंड क्वालिटी में कोई डिग्रेडेशन मुझे समझ में नहीं आया है। बेस काफ़ी अच्छा आता है, ट्रिबल काफ़ी अच्छा आता है। दो ट्विटर्स दिए हुए हैं आगे, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ट्विटर है एक, और एक ट्विटर वो वहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसा सा कुछ है। और ऊपर देखेंगे तो ये अपने को मिला हुआ है, सनशेड दिए हुए हैं। आपको लाइट्स मिल जाती है, जैसे एक दो, ये दो लाइट्स मिल जाती है, और ये LED लाइट्स है। बट लाइट्स कैसे कुछ है, कभी कभी जल जाती है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये इस साइड आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है को पैसेंजर के साइड में, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये आपको हैंडल बार मिलता है यहाँ पकड़ने के लिए। और अब पीछे चल के बात करते हैं आगे की सीट की कम्फर्ट्स की। अगर मैं बात करूँगा तो ये जैसे आपको एक हैंडरेस्ट भी यहाँ पर मिल रहा है, इसको आप आराम से रख करके यहाँ पे गियर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक का प्ले कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मॉडरेट सा ही है। ये सैनिटाइजर वगैरह कुछ रखें क्योंकि कोरोना काल चल रहा है अभी। ये कुछ स्पेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे अपना पेन ड्राइव लगा रखा हुआ है, ये सामान चीज़ें रखी हुई है। और ये है एक फ्रंट पैसेंजर के सामने की स्पेस, इधर पर भी आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं। ये ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, ग्लव बॉक्स में भी वही कुछ छोटे मोटे सामान, फास्टैग रखा हुआ है, और उस साइड में भी। बट इसमें एक डीमेरिट मैं बोलूँगा कि जो डोर के जो पैड्स हैं ये मतलब काफ़ी इतने बड़े नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें 1 लीटर की बोतल डाल सकें। देख, जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत पतला सा है ये। आप कपड़े वगैरह ही छोटे मोटे रख सकते हैं, जैसे गाड़ी साफ करने के, जैसे इधर पेपर रखा हुआ है हमने,
और ये रियर व्यू मिरर है, तो मैं इधर अंकुर बैठा हूँ। चलो पीछे चल के बात करते हैं। मैं ना रियर सीट सर, रियर सीट के डोर में भी लाइट जलती हैं। ये अपने कल हमको लीवर मिला हुआ है डोर को ओपन करने के लिए, और ये है पावर विंडो के स्विच। चलिए अंदर आके बैठते हैं, डोर बंद कर लेते हैं पहले। डोर की जो थर्ड है काफ़ी सॉलिड है, तो आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं आएगा कि आप किसी लो बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी में बैठे हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है गाड़ी की। और ये आपको रियर में आपको हाथ पकड़ने के लिए भी दिया हुआ है, और ये है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन टाटा सफारी। ये आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं जो इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में भी नहीं मिलते हैं। आज की रेट में भी स्कॉर्पियो में यहाँ पे बस नीचे ही आता है, और शायद पिलर्स पे आता होगा, बी पिलर्स पे। बट इसमें 2009 मॉडल है जैसे मेरी गाड़ी, तो उस टाइम पे भी एसी वेंट्स मिलते थे, और एसी के कंट्रोल को आप यहीं से, एसी के फ्लो को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अभी एयर फ्लो आ रहा है। ये रियर में एक और लाइट दी हुई है, फ्रंट में तो दी ही हुई है, रियर में भी दी हुई है। ऐसा सा कुछ अपने को फ्रंट डैशबोर्ड का लुक मिलता है। अब इसके बाद सीटिंग कंफर्ट्स की बात करूंगा। अगर कंफर्ट की बात करता हूं तो सीट की कुशनिंग, आप जैसे कैमरा शायद जस्टिस नहीं कर रहा है, बट सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और बैठने में बिल्कुल भी कहीं पे भी आपको लॉन्ग जर्नीज पे भी जाएंगे तो उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। ये नीचे बात करें तो यहाँ पे भी कुछ स्पेस दी हुई है, दो एसी वेंट नीचे भी दिए हुए हैं, तो मतलब इतने एसी वेंट टाटा ने दिए हैं कि गाड़ी में कभी भी आपको गर्मी जैसा एहसास होगा नहीं। ये आपको चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, और ये छोटा सा कुछ ट्रे है, कुछ आप डाल सकते हैं इसमें, शायद ऐश ट्रे जैसा कुछ है ये, तो इसको बंद कर देते हैं। ऐसे कोई यूज़ करता नहीं है इनको। ये अपना लेग स्पेस है। जैसे मैं अपने लेग स्पेस की बात बताऊं तो जैसे मैं, मेरी हाइट है 5'7", तो बैठने के बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा लेग रूम मिल रहा है, इतना लेग रूम मिल रहा है। मतलब आप लॉन्ग रूट पे भी जा रहे हैं तो आराम से आप अपना पैर स्ट्रेच करके आगे करके ऐसे बैठ सकते हैं, है ना। और रियर में पॉकेट्स आपको मिल ही जाते हैं सारे, अपने हेडरेस्ट अपने को एडजस्टेबल मिलता है, सेंटर में एडजस्टेबल नहीं मिलता है, ये सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। और पीछे की जो सीट बेल्ट्स हैं ये है 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स, जो दो पैसेंजर्स की 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स है, और जो बीच वाला है उसका लैप बेल्ट है, ये लैप बेल्ट अपने को मिलेगा बीच में, है ना। तो मैंने आई थिंक मैंने सारी बातें कर ली हैं आपके साथ। लेट्स मूव टू द थर्ड रो ऑफ द सफारी, हाउज इट टू फील। चलिए चलते हैं। तो एक ओवरऑल आप बाहर से लुक ले लीजिए गाड़ी का कैसे दिख रही है। सो दिस इज माई फर्स्ट रिव्यू, मतलब ये YouTube में मेरा फर्स्ट व्यू है, मतलब फर्स्ट वीडियो है, तो जो भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो उसको देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स में नीचे आप मैसेज कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्या ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा चैनल बड़ा होगा। उसके बाद अब गाड़ियों के रिव्यूज़, काफ़ी सारे रिव्यूज़ वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बाइक के रिव्यूज़, स्कूटी के रिव्यूज़, हर गाड़ी के रिव्यूज़। और आपको गाड़ियों के रिलेटेड कोई भी इशू हो या कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, नीचे कमेंट्स कर देना, और अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा। चलिए लेट्स मूव टू द रियर सीट। पहले एक बाहर से बता देता हूँ, ये इसकी लाइट्स दी हुई हैं, ऐसी कुछ अपने को लाइट मिलती है, ये ऊपर में मिलती है, वो मैंने बात कर ली वॉक अराउंड में आपसे। चलिए अंदर चलते हैं। चीज़ छूट गई थी अपने से, ये सेकेंड रो की सीट में आप स्पेस देख सकते हैं कितनी है। जैसे मैं लगभग मीडियम ही पर्सन हूँ, बट उस हिसाब से मैं इधर बैठा हूँ, दो लोग और बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और चाहें तो चार लोग भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हेडरूम की अगर मैं बात करूँगा तो हेडरूम काफ़ी एम्पल है, हेडरूम में कोई इशू नहीं आएगा आपको, कितने भी लंबे आप 6 फुट तक के भी हैं तो आपको हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए रियर सीट में चलते वापस। तो ऐसा कुछ आपने को ओपनिंग मिल जाती है, इतनी वाइड ओपनिंग मिलती है गाड़ी में, तो मतलब अंदर इंग्रेस और एग्रेस होने में कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये अपने को फुटरेस्ट दिया हुआ है, फुटरेस्ट नहीं है ये, मतलब चढ़ने के लिए दिया हुआ है। कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी अपनी टाटा सफारी के थर्ड रो में हूँ, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, मैं थर्ड रो में हूँ। तो मैं ये अपने को यहाँ पर डिफॉगर वगैरह मिलता है, दो सीट्स मिलती हैं इस टाइप की, अपने को सीट मिलेंगी, इसको हम ऐसे करके नीचे कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर मैं अभी बैठ गया हूँ, तो मेरे को बैठने के बाद मतलब इतनी स्पेस काफ़ी मिल रही है, इतनी स्पेस अपने को दिख सकती है। तो दूसरा आदमी बैठेगा तो मेरे साइज़ का आदमी दो लोग बैठ सकते हैं। गाड़ी को हमारे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, एक्सटीरियर कैसा था इसका, इंटीरियर कैसा था, क्वालिटी कैसी है इंटीरियर की। मैं बोलूँगा क्वालिटी इज़ डिसेंट इनफ,
कोई भी इशू हमको इंटीरियर क्वालिटी के रिलेटेड नहीं आया है। छोटी मोटी जो डिग्रेडेशन है वो सारी गाड़ियों में होती है, वो इसमें भी हुई है, उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हो गई है, है ना। तो और इसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम करेंगे इसका टेस्ट ड्राइव, प्रॉपर टेस्ट ड्राइव रिव्यू उसमें आएगा। उसके बाद मैं काफ़ी सारी गाड़ियों के जो रिव्यूज़ हैं, फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशंस है, वॉक अराउंड है कार्स की, बाइक्स की, और जो भी आपको डाउट होंगे वो सारी, अभी भी अगर आपको कोई इसी गाड़ी के बारे में जानना है या कोई डाउट है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, उसकी भी लिंक शायद हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके मुझे इंस्टेंट प्रॉम्प्ट रिप्लाई के लिए वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ हमारी टाटा सफारी का रिव्यू, बेसिक रिव्यू था। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेंटेनेंस में सर्विस कॉस्ट अपने को जो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट रहती है वो 5 to 6,000 में हो जाती है, और जो मेजर सर्विस कॉस्ट है उसमें इट गोज़ अप टू 10 to 12,000, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक इसकी सर्विस जाएगी कभी भी। और कोई मेजर पार्ट्स अगर फॉल्ट होता है किसी में, कोई इशू आता है, तो फिर आप उसको समझ सकते हैं, वो तो होता ही है। बाकी मेंटेनेंस के मामले में या इंजन के मामले में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंजन से रिलेटेड हमको कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है गाड़ी को। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, गाड़ी काफ़ी अच्छी है, सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अभी भी अवेलेबल है ये गाड़ी, क्योंकि 2014 तक इसका प्रोडक्शन हुआ था। सो दिस वॉज द कंक्लूजन। तो बने रहिए वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नया नया चैनल बना है, इसको ग्रो करने में आप लोगों का हाथ ही रहेगा, सब लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल हमारा आराम से ग्रो करेगा, और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी व्यूज़, रिव्यूज़, फर्स्ट इंप्रेशन हम बनाने वाले हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।